अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। देखा, मैंने कहा था अभी तुम बिल्कुल मेरी दादी जैसे ही दिखती हो। ये तुम क्या कह रहे हो कृष्णा? हाँ लक्ष्मी, मैं सच बोल रहा हूँ, तुम बिल्कुल मेरी छोटी दादी जैसी दिखती हो, लेकिन वो तो अब मर चुकी है। ये तुमसे किसने कहा? माँ ने। और छोटी दादी के तस्वीर पर हार भी तो चढ़ा है। अब देखना, मैं माँ से भी कहूँगा, तुम ना बिल्कुल मेरी छोटी दादी जैसी दिखती हो। नहीं नहीं, अब ये अपनी माँ से मत कहना। अब देखो, मैं तो इस घर की नौकरानी हूँ, पर कहाँ तुम्हारी दादी कहाँ मैं, तुम हम दोनों की तुलना मत करो, ऐसे अच्छा नहीं लगता ना। और अगर तुम ऐसे कहोगे तो घर में सबको दुख पहुँचेगा, वो मर चुकी है ना। हाँ ये तो है, अच्छे बच्चे किसी को दुख नहीं पहुंचाते, तो तुम ये बात किससे नहीं कहोगे? ठीक है? ठीक है। नाना जी खाना, मैं आपके लिए खाना लाई हूँ, दरवाजा जल्दी खोलिए ना। नाना जी दरवाजा जल्दी खोलिए ना, मेरे पास टाइम नहीं है। नाना जी खाना, नाना जी आज मैं अंदर नहीं आऊंगी, यहीं से चली जाऊंगी, मुझे कार्टून देखना है ना टीवी पर। ठीक है नाना जी, आप ये खाना खा लीजिए, गुड नाइट। हंसवानू सोच है, मुझे हिच किया रे, तू हंस रही है, है? जा पानी ले क्या? मालिक इतनी जोर की इसकी पानी पीने से नहीं जाएगी। तो इसके लिए आपको उल्टी गिनती करनी पड़ेगी। दस, नौ, आठ, सात, छः, पांच, चार, त्रण, दो, एक। मेरे दिल से
मालकिन मालकिन मैं देख कर आई हूँ, सब सो चुके हैं, यही सही समय है। मैं बेनबा के कमरे से चाबी लेकर आती हूँ, कैसे भी करके बंसरी को स्टोर रूम से बाहर निकालना है। नहीं चंपा गली, चाबियाँ मैं लेकर आती हूँ। ये आप क्या कह रही हैं, अगर किसी ने देख लिया तो आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। तो मुसीबत में मैं फंसूंगी, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम कोई भी मुसीबत में पड़ो। वैसे भी मेरे लिए तुमने बहुत कुछ किया है। लेकिन मालकिन, चंपा गली मैं चाबियाँ लेके आती हूँ। ठीक है, वैसे मैंने बेनबा को कहते कई बार सुना है कि वो चाबियाँ अपने तकिए के पास रखकर सोती हैं। ठीक है। हे खोडियार माँ, मालकिन का ध्यान रखना। Thank you.
छोकरी उभी रहे। क्या हो रहा है यहाँ पे? और ये लक्ष्मी इतनी रात को? मेरी चाबी? भी जो ये तुम्हें बदल है, ये घर की चाबी लेके जा रही ना, तुम लोग सब सो रहे हो। इतनी रात को मेरे कमरे में चोरों की तरह घुस के मेरी चाबियां चुराई, इतनी हिम्मत कहां से आई तेरे पास? बोल। चोरी? वेनबा, वेनबा, दिन भर हम लोग काम में लगे हुए थे। रात को याद आया, आपने कहा था कि स्टोर रूम में चूहे बहुत हो गए, तो मैं और लक्ष्मी सफाई के लिए जा रहे थे। फिर याद आया कि स्टोर रूम में तो आपने ताला लगाया हुआ है, तो लक्ष्मी आपके कमरे से चाबी लेने चली गई। अच्छा, तो इतनी रात को तुझे और लक्ष्मी को सफाई करने का भूत सवार हुआ, इतनी रात को स्टोर रूम साफ करने चले थे? हे चंपागली, दिमाग नहीं दिया ना भगवान ने तो क्यों लगाती है हर काम में? हैं? क्या है, स्टोर रूम ही साफ करना था तो चाबी मांग ली होती ना, चुराने की क्या जरूरत थी? और वैसे भी रात में क्यों साफ करना है स्टोर रूम तुझे? दिन में कहीं दौरे पे जाना है क्या? ये चंपा कली, पानी नहीं है मेरे कमरे में, बेतना। ए लक्ष्मी, तू तो तोरल की नौकरानी है ना, फिर यहाँ इस तरफ क्या कर रही है? तुम छोटी लोगों की नजर ना हमेशा हमारे चाबियों पे होती है, जैसे शहद पे मधुमक्खी, कि खोलो तिजोरी और देखो कितने पैसे। पिछली बार जब मैंने लक्ष्मी का घूंघट उठाया था, तब उसने अपने पैरों में बिच्छू पहने थे, और अब बिच्छू गायब है। हो ना हो, कुछ ना कुछ तो जरूर गड़बड़ है। ए लक्ष्मी, तुझे स्टोर रूम साफ करना था ना, ला दे चाबी, मैं साफ कर देती हूँ, रात है तो रात को ही सही। ला ला, तो यहीं रुक, मैं जाती हूँ। चल चंपा गली। बेनबा, मैं स्टोर रूम की सफाई कर देती हूँ ना। चुप।
तो इतनी बड़ी चूहिया हमारे स्टोर रूम में बंद है। इसे भगाने के लिए रात को 2:30 बजे मेरे कमरे से चाबियां चुराई गई। चल मैं तुझे बताती हूँ चाबियां कैसे चुराती। चल चल यहां से चल। देखो ये है असली कारण चाबी चुराने का। स्टोर रूम ने इसे साफ करना था। और ये लक्ष्मी, इस पे तो मुझे उस दिन से ही शक हो गया था जिस दिन ये हमारे पीछे पीछे मंदिर आई थी। देखो देखो सीता और गीता की जोड़ी, कौन है असली लक्ष्मी, ये या ये? ए घूंघट, तेरा भांडा फूट चुका है, सच सच पता कौन है तू, वरना चोरी के इल्जाम में पुलिस के हवाले कर दूंगी। बोल वरना मैं। ए खेमी रुक, मैं जानती हूं ये छोटे लोगों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए। ए सुनाई नहीं दिया क्या कहा इसने? घूंघट हटा। डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।